Okay, who is saying that? Because we can play with a firecracker. Ma'am, Manasri. Yes, ma'am. Who is saying? Because we can play with firecracker. We like Diwali more. Ma'am, Manasri Goel. Okay, all right, great. Netik, log out and log in again. Kyunki, am I hello? Coming? Ma'am, yeah, it is coming. Great. With, so, Netik, tell me, why do you like Diwali more? Ma'am, because we want firecrackers. Because you all want firecrackers. But do you think firecrackers are good or bad? I'm bad. I'm bad. फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो सारे की दिवाली तो इस साल तो खराब होने वाली है क्योंकि फायर क्रैकर्स तो मिल नहीं रहे. फायर क्रैकर्स तो बैंड हो गए अब तो. मैम मैम अब तो लगते हैं मैम दिन घर मैम लाइट से डेकोरेट होता है मैम बहुत सुंदर लगते हैं. एग्जैक्टली थैंक यू सृष्टि. अपार्ट फ्रॉम दिवाली इट इज नॉट जस्ट गुड बिकॉज आप लोगों को फायर क्रैकर्स मिलेगा. इट इज ऑल्सो गुड बिकॉज नंबर वन वी मेक रंगोली. व्हाट एल्स डू वी डू? मानसवी अच्छे अच्छे मिठाई खाते है. मम्मी लड्डू दो बत्ती दो ये दो वो दो right? We decorate our homes. We light our houses. Yes or no? Mam, we decorate our houses with the help of diyas. Right. But इस दिवाली ना हम कुछ अलग करेंगे. बस अपने आप खुश खुश नहीं रहेंगे. हम कोशिश करेंगे कि हम खुशी बांटे भी दूसरों को. बिकॉज दिवाली इज नॉट जस्ट कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉय ऑफ गिविंग मंथ. दैट मीन्स अगर मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती किसी गरीब को दो तो खुश हो जाएंगे. मेरे पास अच्छे टॉयज हो जो मैं खेलती नहीं हूँ अरे मम्मी मत देना ऐसे नहीं करेंगे. हम इस दिवाली लोगों के ओ, हम दे देते हैं. या वी विल गिव इट टू देम एंड वी विल मेक आवर दिवाली इज ऑल्सो गुड एंड वी विल मेक अदर पीपल्स ऑल्सो दिवाली गुड. ओके एवरी वन एक्सक्यूज मी मैम. All right, wait. So, yes, Ujwal. Ma'am, I have a question. Yes, pehle to camera on karo. Jiza ka camera nahi chal raha hai, wo to mujhe pata hai. Oh, chal gaya. Ma'am, aapki jo PD class hoti hai na, uski kabhi kabhar na meeting ID change ho jati hai. To ma'am, aap C Connect pe dal diye na. हाँ ये मैं नहीं करती बेटा ये तुम्हारे टीचर्स करते हैं. हमें तो लिंक से ज्वाइन करना पड़ता है. टेल मी आपको ये दिख रहा है या ये दिख रहा है? मैम यस मैम यस. आई कैन स्पॉटलाइट माय सेल्फ इफ आई कैन जस्ट होल्ड ऑन. ओके मैम व्हाट इज द नेम ऑफ द मैम? मैम मैम नेहा चौधरी. मैम नेहा मैम आप तो होश हो रही हो मैम आप तो कर सकते हो. नहीं दिखाई दे रहा है मुझे स्पॉट का लाइट करने का ऑप्शन. यस मैम. मैम यू हैव टू स्पॉट लाइट मी सॉरी बिकॉज यू हैव टेकन माय प्रिविलेजेस. सॉरी यस नो प्रॉब्लम. या सो उज्जवल रीड दिस कैमरा ऑन एंड रीड दिस. यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न सर्फ. Very good. So what does this mean? Who will explain me? You cannot stop the waves. Aise padhna chahiye, Ujwal. You cannot stop the waves, but you can learn to surf. Iska matlab kya hai? Who will tell me? Okay. Navya, can you explain what does this mean? Ma'am.
It means that you cannot stop the waves. आप लहरों को नहीं रोक सकते, but you can learn how to surf, how to do surfing. Okay, पर इसका तो आपने, मैंने तो ये नहीं बोला, नव्या इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए. आपने तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, पर मतलब क्या है इसका? हिंदी में मतलब बता सकते हो, कोई नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा, पर मतलब क्या है? Okay, anyone can tell me what is this mean? Who's can I? You can tell me your name, sweetheart. You can learn जरूर सकते हो. मैं भी बोलता हूँ क्या नहीं. हाँ, नैतिक, start. What does this mean? ये तुम लहरों से ही लड़ सकते, लेकिन लड़ जरूर सकते हो. लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन लड़ जरूर सकते हो. All right, very good. Can you give me an example? मैम हम बताएं. हाँ बताइए. मैम इसका मतलब मैम ये है कि मैम हम अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को रोक नहीं सकते, पर हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, उनका सलूशन ढूंढ सकते हैं, उनके हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा. Amazing. And who spoke this? Ma'am, Janvi. Janvi, give her a round of applause. Good job, Janvi. Very good. Now, the next person who will be reading this is... Ma'am, can you remove me from spotlight? Because I can't see the children. I'm so sorry, ma'am. Neha, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, remove me from spotlight because I can't see the children. They can see the small letters also, I guess. Oh, fine, ma'am. Yeah, but I cannot see the children. Let me do this. I can see you on spotlight. Okay, just give me a second. All right. Now you can. Now tell me, do you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we read. Yes, ma'am. Ma'am, life is 10% of what happens to you and 90% of how you reach to it. Reach nahi hai beta. React to it. React to it. So, life is, main agar aise rakh rahi hoon, ulta dikh raha hai mujhe. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Iska matlab mujhe kaun samjhaye? Alina, koshish kar lete. Alina, kya hai iska matlab? I don't know. You can try. Life is 10% of what happens to you, 90% how you react to it. Okay, Shrishti. कि मैम हमारे लाइफ में 10% प्रॉब्लम आते हैं, पर मैम हम उसको 90% की जैसे रिएक्ट करते हैं. एग्जांपल दे सकते हो बच्चा? मैम एग्जांपल कि मैम जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैम वो बहुत कम सी, मैम बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, पर मैम हम उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करेंगे जिससे मैम वो और बड़ी भी हो सकती है. हाँ, वही चीज बताया. एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि पापा ने बोला सृष्टि को, मैं तुझे ना ये ऑटम वेकेशन में ना घुमाने ले जाऊंगा जयपुर में, और पापा ने कैंसल कर दिया प्लान. अरे छोटी सी रीजन थी, राइट? पर हम इसको क्या करेंगे? नहीं पापा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आपने प्रॉमिस करा था मुझे बात नहीं करनी आपसे, जाओ मुझे खाना भी नहीं खाना. तो लाइफ इज 10% प्रॉब्लम था, पर इसने राय का क्या बना दिया? पहाड़. पहाड़. करेक्ट. अब समझ में आया अलीना?
यस मैम गुड जॉब अब अलीना पढ़ तो सकती है राइट सो आई वांट अलीना टू रीड दिस यस मैम एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे वेरी गुड एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे इसका मतलब आएंगे मुझे उज्जवल कुमार मैम प्लीज शो द पोस्टर अगेन किससे कैमरा ऑफ कर दिया ये बच्चे ने तो उज्जवल मैम यस हाँ एक्सप्लेन करो ये मैम आई डोंट नो तुम कोशिश तो करो मैम कैन आई टेल मैम वेट अ सेकंड ओके Ma'am, may I tell? Wait. Ma'am, इसका मतलब है कभी कभी कोई चीज गुड नहीं होती पर हमेशा ये चीजें गुड रहती हैं। हाँ, सच्चे में। All right, Alina ne haath raise kara hai. She has understood this, so I want the explanation from Alina. Alina, samjhao beta. Yes, ma'am. Ma'am, har din mein ma'am acha nahi hota, but ma'am us har din mein ma'am kuch khas hota hai, kuch acha hota hai. Very good. Ma'am, batao. All right. So, can you give an example, Alina? Example, ma'am, like जिस दिन हमारे marks अच्छे नहीं आते but ma'am उस दिन कुछ अच्छा नहीं होता but ma'am उसमें not be good but something good in every day. Okay. Alina ने सही बोला. Can anyone give the same example जो Alina ने दिया? इसका paper अच्छा नहीं गया. Ma'am may I tell Navya? इसका मतलब तो ये है कि हो सकता है हर दिन मैम कुछ अच्छा ना हो पर मैम कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जैसे मैम हमारे मैम SSC में मैम पेपर SSC का हमारा मैम टेस्ट हुआ पर मैम उसमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैम इंग्लिश के मैम टेस्ट में मैम अच्छे आ गए तो फिर मैम हम SSC की टेस्ट को लेके मैम दुख होंगे और मैम इंग्लिश की टेस्ट को लेके खुश नहीं होंगे कि हमारे उसमें अच्छे मार्क्स आए वेरी गुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज वेल डन गुड जॉब ऑलराइट सो द नेक्स्ट पर्सन हु विल रीड इज मैम या प्राची पढ़ो मैम हम इसलिए भी खुश हो सकते हैं अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं है बट हमें अपनी मिस्टेक से कुछ अच्छा समझने को मिला अच्छा मतलब हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है द पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स वेरी गुड मैम वृंदा रीड द कोट ओके मैम प्रॉब्लम्स आर नॉट साइन दे आर गाइडलाइंस राइट आप क्लास 6 में पढ़ के मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा है मैम नो मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कैन आई टेल ओके मैम कैन आई टेल कोट इज प्रॉब्लम्स आर नॉट साइंस दे आर गाइडलाइंस इसका मतलब क्या है नव्या कब से हाथ उठा रही है नव्या बता दो एंड कैमरास ऑन एवरीवन उसका हाथ कब से खड़ा था इसका मतलब नव्या मैम प्रॉब्लम साइंस नहीं होती बट दे आर गाइडलाइंस फॉर अस दैट मैम हमें प्रॉब्लम है तो मैम हम उसका अच्छे से मतलब वो हमें साइन नहीं देती बट मैम वो हमें मतलब हमें कुछ
न्यू थिंग पता चलती है उससे कि मान लो हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए बट जो हमने क्वेश्चन गलत करा बट हम उससे कुछ मतलब समझ आता है हमें, वो याद रहता है बाद के लिए, बाद में अगर कुछ होगा तो हम उसमें करेक्ट लिखेंगे उसको। वेरी यस मैम, मैम टेस्ट में करेक्शन वर्क हो जाए तो वो याद हो जाता है। करेक्ट। सो टेल मी वन थिंग चिल्ड्रन, नाउ दैट इज द नेक्स्ट कोट एंड आई थिंक आई हैव सम मोर। राइट, दिस इज अ वेरी नाइस कोट। हु वांटेड टू गिव मी द आंसर? अभी मैम शुड आई? मैम कैन नो, आई आस्क्ड, नव्या वाज टॉकिंग एंड आई आस्क्ड समवन एल्स, देयर वाज वन गर्ल। मैम कैन आई? मैम सो आई डोंट नो, आई वांट स्वर्णिका। स्वर्णिका, वेयर इज स्वर्णिका? या स्वीरा, यू गिव मी द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, सो मैं किसी किसे पढ़ाती हूँ, तुम उसका मतलब मैम कैन आई रीड? ध्रुव, पढ़ना है लाउडली। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ओके, और यही अच्छे से पढ़ेंगे हम एक्शन के साथ। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। वेरी गुड, सो अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। स्वर्णिका, इसका मतलब? मैम ये इसका मीनिंग होगा कि जो विनर है वो एक ड्रीमर होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करता किसी चीज में, यानी कि उसने जैसे नेवर गिव, उसको कोई काम बता दिया और वो उससे हो नहीं रहा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको करने की कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करेगा उसको। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तनिष, द लास्ट कोट। एक्सक्यूज मी मैम, तनिष, तनिष शर्मा, रीड। ए ब्यूटीफुल डे बीइंग विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। अ लिटल लाउडर। ओके मैम, अ ब्यूटीफुल डे बीइंग विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। प्राची, म्यूट योरसेल्फ। या या बेटा, तनिष रीड वन मोर टाइम बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। तनिष मैम, मैम आपकी मैम, जब मैम सब बोलते हैं तो मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखती मैम। अब दिख रहा है मैम? मे आई रीड हर चुका? नो तनिष, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, वेदांत की स्क्रीन दिख रही है। अब कोई रीड कर रहा है तो आप ध्यान से सुनोगे क्योंकि आप इसका मतलब बताओगे। ओके बेटा, हम रीड कर ले। Yeah, Netik, read loudly. A beautiful day begins with a beautiful mindset. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Tanish, kiska matlab kya hai? A beautiful day begins with a beautiful mindset. Iska matlab kya hai? मैम एक मैम खूब एक ब्यूटीफुल जो मैम डे होता है वो एक मैम ब्यूटीफुल मैम हमारे माइंडसेट जितना होता है जैसा होता है। ओके, आपने तो यही सेम बताया, मतलब हमारा माइंडसेट क्या है? नहीं, हम समझाए कौन हम? मैम समझाइए मैम, अगर हमारी डे की शुरुआत अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड भी एकदम वो फ्रेश रहेगा और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान जाएगा। मैम कैन आई टर्न? मैम वैष्णवी, वैष्णवी टर्न योर कैमरा ऑन बेटा, बट मैम हम कहीं बाहर आए हुए हैं। ओके, या वैष्णवी बताइए। मैम हमारा एक डे ब्यूटीफुल इसी वजह से जाता है, अगर इसी वजह से जाएगा जब हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच ध्रुव, हमारा दिन तभी अच्छा जाएगा एज वैष्णवी राइटली सेड। इसका मतलब है हमारा जो दिन है हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है, अगर हमारा माइंड अच्छा है तो दिन भी अच्छा जाएगा, अगर माइंड ही खराब है तो दिन जितना भी अच्छा हो हमें बुरा ही लगेगा।
समझ में आ गया? Yes. So all this thoughts talks about one important thing. क्या है? सारी जो हमने thoughts पढ़े ये आज ना एक personality. हाँ. ये सारे thoughts कैसे हैं? मैम पॉजिटिव. थैंक यू नव्या श्रीराज. राइट, ऑल दिस थॉट्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव. सो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग. सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप एवरीवन? पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग. और व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? कुछ अच्छा. I'm thinking good things. कुछ अच्छा सोचना. अच्छा सोचना. अच्छा सोचना. और आप आज आप अच्छा क्या सोच रहे हैं? मुझे बताना कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो आज. आप दिन की शुरुआत ही अच्छी होना चाहिए, माइंडसेट ही पॉजिटिव होना चाहिए. तो सुनना चाहते एक पॉजिटिव थॉट जो आप सोच रहे हो. अरे कोई नहीं सोच रहा है, सारे नेगेटिव सोच लेके बैठे हैं क्या? हाँ अर्चिका. मैम इट विल बी जस्ट लाइक कि अगर मैम हम इन सब थॉट्स को पढ़ते तो मैम हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और जिस वजह से हमारा डे भी अच्छा जाता है. तो आप क्या अच्छा सोच रहे हो अभी? कि मैम हमें जैसे हम डेली करते तो हमें डेली कुछ थॉट्स पढ़ने चाहिए जिस वजह से हमारा माइंड फ्रेश हो जाए. Okay, very good. So, positive thinking, as the word suggests, positive means something that is good, and thinking means our thought. So, positive thinking plays a very, very important role in our lives because your thoughts define you. Tumhara thoughts jo hai, tumhara soch jo hai, तुम्हें डिफाइन करता है कि तुम एक पॉजिटिव बच्चे हो या नेगेटिव बच्चे. तो तुम लोगों को पॉजिटिव बच्चा बनना है या नेगेटिव बच्चा? मैम पॉजिटिव. मैम पॉजिटिव. मैम पॉजिटिव. पॉजिटिव बच्चा, राइट? और पॉजिटिव बनने के लिए आज मैं आपको एक मैजिक सिखाती हूँ. और वो मैजिक है एक बॉक्स. बॉक्स है, बॉक्स में फोर पार्ट डिवाइड करा है और उसमें है नंबर वन इट इज टी. तो टी से क्या आ सकता है? थिंक. थिंक. थिंक जब हम करते हैं, थिंक जब हम थिंक करते हैं, क्या थिंक करते हैं यहाँ पे? क्या होता है जब हम थिंक करते हैं टी से? अब तुम लोग क्या कर रहे हो थिंक से? मैम थॉट्स. वेरी गुड. टी से थॉट्स आता है. अनदर लेटर इज बी. बी से क्या आता है? मैम ब्यूटीफुल. अरे ना मैम प्रॉब्लम. अरे बी बी से बॉय आता है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल थॉट. अब एक चीज बताओ, घर में जब तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह उठती है तो पहले क्या करती है? मैम बात ब्रश. नहीं ना, धोके ब्रश वगैरह करके क्या करती है? मैम ब्रेकफास्ट. 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 अरे ये नहीं करती तुम्हारी मम्मी. प्रे करती है या पूजा करती है? और तुम्हारी मम्मी पूजा करती है क्योंकि क्या है मम्मी को भगवान के ऊपर? विश्वास है. विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते? बी से बिलीफ होता है. सो फर्स्ट हमारा आता है थॉट. सेकेंड में आता है हमारा बिलीफ. बिलीफ. तो फर्स्ट पार्ट में थॉट्स आ गया, सेकेंड में बिलीफ आ गया, देन थर्ड पार्ट में ए से. एप्पल मत बोलना, ए से.
Tanish, mute yourself. Angry. A से क्या आता है? हम बोलते हैं lights, camera, action. A से क्या आता है? Action. और लास्ट वाला लेटर है R. और ये R लेटर Responsibility. नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं R लेटर से. क्या आता है R? हम respect. रेस्पेक्ट से डरते हो आप? नो मैम. रिपोर्ट कार्ड. रिपोर्ट कार्ड. Results say results. So very good. So this is the magic of positive thinking. It's the first kya aaya hamara? Thought. Second believe. Action. Right. अब देखते हैं इसमें पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट का. ओके, मैं अब तुम लोग जो जिस चीज से डरते हैं उसी का एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारा एग्जाम्स, राइट? एग्जाम्स आने वाले हैं. इतना ज्यादा पढ़ाई करना है और पढ़ा भी नहीं, और एग्जाम्स 2 दिन में है. ठीक है, तो मैं बोलूंगी ओ माय गॉड, 2 दिन में तो एग्जाम्स है, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, कैसे हो पाएगा? कौन सा थॉट है ये मैम? नेगेटिव. एग्जाम्स है और ना मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मैं पास होऊंगा भी या नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मैं इस साल पास होऊंगा. So my thoughts get changed into my positive thoughts. The thoughts gets changed into my second belief. Part, which is my belief. मेरा belief ही ऐसा है कि exam नहीं अच्छा होगा तो मैं क्या करूँगी? ऐसे action. अरे इतने सारे books है पढ़ने को, इसमें से ना मैं ना 3-4 chapter पढ़ लूँगी, इसमें से ना मैं 3-4 का चैप्टर पढ़ लूंगी. इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, 3-4 चैप्टर्स, इसमें से मैं 3-4 चैप्टर्स पढ़ लूंगी. इस लास्ट के लिए तो टाइम भी नहीं मिलेगा, छोड़ देती हूँ. और मेरा एक्शंस ज्यादा है या कम है? कम. ज्यादा कम. और जब मेरा एक्शंस ही कम है तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा? अब पॉजिटिव थॉट के बारे में बात करते हैं. मैंने बोला अरे ये नैतिक हमेशा फर्स्ट आता है, इसको तो मैं इस साल फर्स्ट होके दिखाऊंगा, ये तो बहुत फर्स्ट होता है, मैं सेकेंड आती, इसको तो मुझे जीतना ही है, राइट? तो मेरा थॉट कैसा है? पॉजिटिव थॉट है क्योंकि मुझे नैतिक को जीतना है, राइट? और मुझे नैतिक को जीतने के लिए उससे ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी. क्या करूं जो नैतिक को ज्यादा नैतिक से ज्यादा मार्क्स आ सके? क्या करूं मैं? तो मेरा बिलीफ, माय थॉट्स दैट आई हैव टू विन नैतिक गेट्स मूव्ड फ्रॉम माय थॉट्स टू माय belief. Please. Now it moves to my action. Netik na bahut 3-4 ghante padhta hai to main bhi 3-4 ghante padh lungi. Netik na jab bhi kuch nahi samajh mein aaye na haath utha ke bolta hai ma'am mujhe please explain kara do. मैं भी फिर ऐसे ही करूंगी, जो जो मुझे समझ में नहीं आया मैं भी ना हाथ रेस करके बोलूंगी मैम प्लीज एक्सप्लेन. And then, ma'am, नैतिक ना बहुत ज्यादा written practice भी करता है कि speed बढ़ जाए उसका writing पे exam time पे, तो मैं भी practice करूंगा. So, as a result, मुझे नैतिक को जीतने के चक्कर में मैंने क्या किया? Actions कम लिया या ज्यादा करे? ज्यादा.
मैम मैंने एक्शन ज्यादा करे तो मेरे रिजल्ट नैतिक से बेटर भी हो सकते हैं या मैं नैतिक के साथ साथ भी हो सकती हूँ, पर मेरा पॉजिटिव थॉट्स नैतिक से मुझे जितवा भी सकता है। राइट, हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मूवी द इडियट? राइट, वी ऑल मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन हैव वॉच्ड। अगर ये मूवी नहीं देखा ना बच्चों, देखना, इतना अमेजिंग मूवी है ये थ्री इडियट्स, वॉच द मूवी। ओके, सो और बोल देना मैम ने बोला है देखने के लिए, बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड मूवी मैम। बट इसपे कुछ और मैम, एक अंजना मूवी है वो बहुत हॉरर मूवी है, बहुत अच्छी है। नहीं, हॉरर मूवी आई डोंट लाइक मैम, बट उसपे कुछ समझ नहीं आता। मैम आता तो है मैम। हाँ मैम, यशस्वी कह रही है कुछ समझ नहीं आता। आमिर खान बहुत इंटेलिजेंट। कौन बोल रही है इसके समझ में नहीं आता? यशस्वी पिक्चर में मैम कुछ समझ में नहीं आया मैम, उस पिक्चर में क्या हुआ मतलब। अरे यशस्वी, तुम्हें हिंदी, एक तो तुम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, तुम्हारा माँ, फिर मैं बोलती हूँ अरे बेटा इंग्लिश में क्यों नहीं बात करती हो, मैम हिंदी हमारी मातृभाषा है बोलती हो, और पिक्चर ही समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप उस पिक्चर को मैम हमने बहुत ध्यान से देखा, बट ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एक बार देख रहा, ध्यान से समझ में आ जाए। मैम बिटवीन का सीन तो मैम बहुत अच्छा था। ऑलराइट, एंड इसमें टेल मी वन थिंग, बिकॉज यू नो एक इंसान था जो हमेशा मेहनत करता था, उसका नंबर हमेशा टॉप पे आता था, कौन था वो इंसान? रणछोड़ दास। राइट, थ्री इडियट्स की बात करती हो और जब भी रिजल्ट आता था, ये फरहान और जो राजू, फरहान और जो राजू थे वो हमेशा डर लगता था इन लोगों को, और हम पेपर भी जब रिजल्ट आता था ऊपर से चेक नहीं करते थे, नीचे से चेक करते थे कि नंबर जल्दी आ जाएगा, और वो कौन से लोग थे? राजू और फरहान। इसीलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ऑलराइट, नाउ यस मैम, positive, it is very very important to be positive in life, okay, and I will show you one of the biggest examples, okay, I'll show you a video aur tum log shock ho jaoge wo video dekh ke. There is one person in Australia and his name is Nick Vujicic. What is his name? Kya hai naam, main bol to rahi hu, Nick Vujicic. यहाँ से हाथ नहीं है, दोनों टांग यहाँ से नहीं है, ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, पर ही नोज हाउ टू ड्राइव, ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल, ही नोज हाउ टू डू स्विमिंग, ही नोज हाउ टू राइट, he knows how to play the piano, and all these things he is only able to do it because of one thing, and that is his positive thinking. Agar just imagine, agar aap logo ko wo ghumane wala phone hota tha na purane zamane ka, yes ma'am, wo phone kaise uthate ho aap log, kaise uthate ho batao? अब हमने बस देखा है, अब हमने उठा के नहीं देखा, हाथ से उठाते हैं ऐसे, राइट, ये फोन ऐसे लिया, उठा लिया, सुन लिया और बोला हेलो, यस और नो? यस मैम। जिसका यहाँ से हाथ नहीं और यहाँ से पैर ही नहीं, वो फोन कैसे उठा सकता है? पर वो क्या करता है, वो पैर से, जो उसका पैर है यहाँ पे सिलाया हुआ है, स्टिच किया हुआ है, वो उस पैर से वो फोन को उठाता है। अब अगर हाथ तो नहीं है
तो क्या करता है, ही थ्रोज फ्रॉम हिज लेग दिस लेग एंड ही नीड्स टू थ्रो इट हियर. सो क्या करता है, ऐसे करके थ्रो करता है और ही हैज टू डू लाइक दैट मींस फेंका फोन तो ऐसे पकड़ना चाहिए. सो क्या, टेल मी, क्या एक ही बार में पॉसिबल हुआ होगा? उन्होंने प्रैक्टिस किया पर उसने कभी हार नहीं माना एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव. डू यू वांट टू सी द वीडियो ऑफ दैट पर्सन? यस यस मैम. आर यू रेडी? मैम यस. आई वांट टू हियर अ लाउडर यस. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, I need to share the screen. So you need to make me the host, ma'am. Yes, ma'am. Or you can make me the co-host also. I think a co-host can also share. Right? Yes. मैम थ्री इडियट ने राजू की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी. राइट एग्जैक्टली. बट ही ओवरकेम दैट नेगेटिव थिंकिंग बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव माइंडसेट एंड विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. राइट. यस मैम. मैम यू टेल अबाउट द स्टूडेंट हु वाज फियर विद द result, but ma'am there is nothing to fear about result if we learn good about our exam so we can give our best and right then... but dar to waise bhi sabhi ko aata hai. Right. To dar aana bhi zaruri hai par bina padhe exam dena sabse buri baat hai. Prepare ho ke karoge to dar bhi kam lagega. Right. Excuse me ma'am. Excuse me, ma'am. Okay, let me show the video. Just, yeah, you keep talking. I'm opening the video. Can you see my screen, bacho? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All yes, right. Ma'am. I heard you. Do you see the blue screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and
You don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share. So, how many people liked the video? So, we will go ahead and discuss. I'll play the video once more next time and we'll discuss more about the video, okay? So, till then, for next time, I'll come up with a very nice game because I think we'll finish the session quickly. So, till then, take care, stay happy, stay blessed. Take care, everyone. Bye-bye. Bye, ma'am. Have a nice day, you two children, and keep smiling. And turn your cameras on. Okay? Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you, teacher.